पंजाब हो या सिंध, मकान हो या पिंड, तेरे सर पे पूरे बाल हो या टिंड, ये अजाब है बुखार है बीमारी सलाब है, तू दिन बैक अगेन, हालात थे कठिन सब बीमार है, पाकिस्तान वार पे तैयार है, हाथ में तलवार है, कलम तो बेकार है, इसीलिए सब बेरोजगार परेशान है। मैं फंडिंग बाहर से आई है, आप वजीरे दाखला, ये आप वजीरे दाखला, ये आप वजीरे दाखला, ये आप वजीरे दाखला। बहुत सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, असिफाइड इंफॉर्मेशन, असिफाइड इंफॉर्मेशन, असिफाइड इंफॉर्मेशन, असिफाइड इंफॉर्मेशन। आपकी आंखों के सामने से गुजरती है, कहीं आपको कोई ऐसा क्लू मिला? देखें, अगर कोई ऐसा देखे ना, नवाज शरीफ के बाहर जाने की एक वजह ये भी थी कि वो बाहर के राबतों से कोई फायदा उठा सके। मिला तो कोई नहीं, पासपोर्ट भी उसका रिन्यू नहीं हुआ। कहीं आपको कोई ऐसा क्लू मिला? 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 लेकिन अगर उसने आना है तो सिर्फ पाकिस्तान आना है, वरना किसी मुल्क की शहरियत तो दे दें, क्या आपको फर्क पड़ता है? नहीं, वो हमें पाकिस्तान आने के लिए मांगे तो 24 घंटे में दे देंगे। तो अगर लंदन से कहीं और जाएगा तो क्या आप समझते हैं ज्यादा लीथल हो जाएगा? लीथल शीथल क्या होना है, ऐसे ही ये कौम होती है, एक नई सोच पैदा हो जाती है। जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि फॉरन फंडिंग आ रही है, तो इनके पास खुद इतनी फंडिंग है, ये फॉरन को दें करें और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। मैंने मजाक किया था। नहीं रही। निकल पहली फुर्सत में निकल। ये भिंता बात नहीं। आप की माँ की आंख में करना की बीवी। चल। ये अपना पैसा तो कभी खर्च नहीं करता। अल्लाह आपका भला करे। अपने दिन घर से जिस दिन इन्होंने खाया है तो वो कहना नहीं चाहता मैं। अपने घर से तो वाकई ये खाना भी नहीं खाते, ये भी सोचते हैं कि भाई वो कई कहते थे दाता दरबार जा रहे हो, सलाम भी करना थे खाने ले भी ले। सऊदी अरब ट्रेडिशनली हमारा बड़ा ज़बरदस्त लाई, हमेशा बुरे वक्तों में हमारे साथ। कश्मीर पर उनकी पॉलिसी शुरू से ही एक मखसूस अंदाज है उनका अपना, यूएई का भी ऐसा ही मामला था। अब क्या उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि यूएई में बहुत सारी जो कंपनीज हैं इंडिया की, उन्होंने ओवरटेक कर लिया वहाँ पर आ रहा है कि यूएई में बहुत सारी जो कंपनीज हैं इंडिया की उन्होंने ओवरटेक कर लिया वहाँ पर आ रहा है कि यूएई में बहुत सारी जो कंपनीज हैं इंडिया की उन्होंने ओवरटेक कर लिया वहाँ पर आ रहा है कि यूएई में बहुत सारी जो कंपनीज हैं इंडिया की उन्होंने ओवरटेक कर लिया वहाँ पर चल इतना ही गुजर रही है हर चीज को टेक ओवर कर लिया। देखें जी, जो मर्जी जहां मर्जी जो कंपनी ओवरटेक कर ले, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स को नहीं बदला जा सकता। दो तो मिले। बिक गई है गवर्नमेंट। जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं उसके अंदर इंशाल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की। कैसा लगा मेरा मजाक? ईरान बेहतर हो जाए और रूस और चीन और हम और सारे एक बेहतर ब्लॉक जो है, लेकिन चीन के रास्ते में जो रुकावटें हैं, ताइवान की रुकावट है, इंडिया को खड़ा किया जा रहा है, फिर साउथ एशिया सी की बात हो रही है और इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है, उससे लोगों को ख़ास तौर पर हमारा जो उससे संग है और जो हमारी उससे सरहदों का मिलाप है और सी पैक है, इसको लोग एतराज़ की नज़र हम उसकी दवाई के ख़िलाफ़ भी प्रोपोगंडा करते हैं। मैंने इसलिए सरेंज लगाई कि इतने आर्टिकल निकल आए कि ये दवाई ठीक नहीं है, इमरान खान को लगी तो दो दिन बाद उनको कोरोना हो गया, जब हुक्मरान करप्शन करता है
वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है। ऐसे महंगाई में तारीखी इजाफा, 20% तक महंगी कर दी पर महंगाई का बोझ। लीटर कीमत 98 रुपए। टी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 1 किलो चीनी मिल रही, इतनी लंबी लाइन है। मैं कह रही हूँ कि 2 तो मिले। बिक गई है गवर्नमेंट सारी। लेकिन चाइना के हवाले से ये चल रही है गुफ्तगू कि सी पैक स्लो हो गया और प्रेसिडेंट शी ने आना था, पिछले साल आना था, वो दौरा जो है आगे ही आगे डिले होता जा रहा है। बस शी पैक ने आना था जी, ख्याल तो था कि फरवरी में आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया। मैं अब सी पैक, पाकिस्तान सी पैक में एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन तेज़ी होनी चाहिए और ज़्यादा। मैं समझता हूँ हमने एक्निक बहुत बड़ा काम किया है MLI, उसमें हमें एक्टिवली रोल अदा करना चाहिए। कम अज़ कम अपना रेलवे तो सीधे करें, और भी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है, कोई शक नहीं। और भी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है, कोई शक नहीं। और भी सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चाइना के साथ है, कोई शक नहीं। पुलिस वालों के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर हाथापाई कर रहे हैं, और पुलिस वाले उनकी मूवी बना के तमाम सोशल मीडिया पे उन्होंने दिखाई है कि हमारे साथ इन्होंने ये ज्यादती की है। पुलिस वाले उनका लिहाज करते रहे हैं कि जी ये हमारे दोस्त हैं। और भाई पुलिस वालों, ये किसी के दोस्त नहीं है, ये दोस्त हैं। वो आजकल तो भाई भाई का दोस्त नहीं है, ये किस तरह के दोस्त हैं? कोई किसी का दोस्त नहीं है। जब एक वक्त आएगा तो हमें फैसला करना होगा, खुदा ना करे दुनिया सियासत में एक वक्त आए कि हमने किसके साथ खड़ा होना है। अगर वो घड़ी और वो वक्त आ गया तो हम चीन के साथ खड़े होंगे। अगर वो घड़ी और वो वक्त आ गया तो हम चीन के साथ खड़े होंगे। अगर वो घड़ी और वो वक्त आ गया तो हम चीन के साथ खड़े होंगे। ये दोस्त हैं। वो आजकल तो भाई भाई का दोस्त नहीं है, ये किस तरह के दोस्त हैं? कोई किसी का दोस्त नहीं है। बात कर रहे हैं उसके साथ, बात करो, टाइम ज़ाया नहीं करो, बात करो उसके साथ। ये गायब था, ये कैसे आ गया था? बात करो, जल्दी करो ना, अरे नहीं, बात करो उसके साथ। यार ये बहुत ताकतवर है रहीम।